हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का बेटा हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में हीमोफिलस के बारे में। हम हीमोफिलस बैक्टीरियम के बारे में समझेंगे कि कैसा बैक्टीरिया होता है, क्या इन्फेक्शन कॉज करता है, क्या इसके पैथोजेनेसिस होते हैं और इसके लैब डायग्नोसिस भी क्या होती है। सारी बातों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हीमोफिलस लिखा हुआ है और ये इसकी इमेज है। थोड़ा कोको बैसिलरी शेप का होता है, बैसिलाई तो होता है पर कोको बैसिलरी शेप का होता है। इस तरीके का इसका आपको इमेज दिख रही है इसकी एनिमेटेड, और जो भी इसकी 3D इमेज है इस तरीके से नज़र आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये होता क्या है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे हम क्या होता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। द जीनस हीमोफिलस कंटेन्स नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। द जीनस हीमोफिलस होता है, इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया होता है इसमें, ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है, नॉन स्पोरिंग होता है एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होता है। एक्चुअली हीमोफिलस क्या है, इट्स अ जीनस है ना, ये जीनस है हीमोफिलस। और इसके अंदर क्या है, इसकी स्पीसीज है, इस जीनस के अंदर इसकी स्पीसीज है। तो हीमोफिलस जीनस के अंदर जो स्पीसीज है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जो उसकी एक स्पीसीज है जो कि पैथोजेनिक है ह्यूमंस के लिए, उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो जीनस जो हीमोफिलस है वो जितनी भी जीनस के अंदर जितनी भी स्पीसीज आती हैं वो सारी स्पीसीज क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, नॉन स्पोरिंग होती है और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई ये होते हैं, ठीक है। एंड रिक्वायर वन और बोथ ऑफ टू एसेसरी और ग्रोथ फैक्टर्स, और इसमें एक या दो तरीके के इनमें या दोनों इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होना चाहिए इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, जो कि फैक्टर होता है आपका एक्स एंड फैक्टर होता है आपका वी, ये दो फैक्टर इसमें होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट इन ब्लड, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ना। हीमोफिलस मीनिंग ब्लड लविंग, हीमोफिलस का मतलब ही होता है ब्लड लविंग बैक्टीरिया है ना, यानी ब्लड से प्यार करने वाला और ब्लड इन्फेक्शन करने वाला है ना, और ब्लड के माध्यम से ही इसका मीडियम भी ब्लड ही है, ट्रांस के थ्रू क्या होना, ये इसका सर्कुलेशन होना। फीवर्स इन 1892 आइसोलेटेड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्पूटा ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, ठीक है। जो फीवर थे, फीवर नाम का जो व्यक्ति थे, उनने 1892 में आइसोलेशन किया था, इस बैक्टीरिया को अलग किया था, निकाला था इस ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम द स्पूटा, यानी स्पूटम से पेशेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा ना, इन्फ्लुएंजा के जो पेशेंट थे, पैंडेमिक हुआ था उस समय, बहुत ज़्यादा महामारी फैल गई थी हीमोफिलस के कारण। तो उस समय क्या किया था, जो फीवर्स थे उनने 1892 में इसका आइसोलेशन किया था एंड प्रपोज दिस एज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा, और बताया था कि ये जो बैक्टीरियम है इसके कारण ह्यूमन इन्फ्लुएंजा हो रहा है पेशेंट्स में और लोग इसके कारण बीमार पड़ रहे हैं और पैंडेमिक ये महामारी इसके कारण फैली हुई है। This came to be known as influenza bacillus, और इसके बाद इसका जो नाम हुआ influenza bacillus के नाम से, और इसको fever's bacillus भी बोला जाता था, और आगे चल के इसका नाम दे दिया गया, it was named as H influenza या hemophilus influenzae, इसका नाम आगे चल के दे दिया गया। अब हम देखेंगे hemophilus influenzae जिसकी species है, hemophilus influenzae के बारे में मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी। इट इज़ अ स्मॉल, छोटा होता है, 1.5 μm टू 0.3 μm इसका साइज होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, नॉन मोटाइल यानी कि मूवमेंट पॉसिबल नहीं है इसका, है ना, किसी तरीके के इसके पेरिट्राइक्रेट फ्लैजिला नहीं होता या कोई भी तरीके का फ्लैजिलम नहीं होता जिसके थ्रू ये क्या करें, मूवमेंट कर सके। बैसिलस नॉन मोटाइल बैसिलस शोइंग कंसिडरेबल प्लियोमॉर्फिज्म, और कंसिडरेबल प्लियोमॉर्फिज्म यानी कि अपने समय के अनुसार ये अपना करेक्टर और आकार थोड़ा ये उसमें ढल जाता है, चेंज कर लेता है, ठीक है, अडेप्शन कर लेता है। इट इज़ नॉन स्पोरिंग, स्पोर फॉर्मेशन नहीं करता, एसिड पास्ट नहीं होता, यानी कि इसकी माइकोलिक एसिड की इसकी लेयर नहीं होती ट्यूबरक्लोसिस के जैसे, है ना, एमटीबी की जैसे। इन यंग कल्चर्स में ये 18 to 24 आवर्स का टाइम लेता है ग्रोथ करने के लिए, तक सेल्स आर यूजुअली कोको बैसिलरी, और जो सेल्स होते हैं वो कोको बैसिलरी शेप के दिखते हैं। वाइल इन ओल्डर कल्चर्स में लॉन्ग फिलामेंटस फॉर्म्स में भी सीन, और लंबे लंबे फिलामेंटस फॉर्म्स में सीन नज़र आते हैं। इन स्पूटम दे ऑकर एज स्मॉल क्लम्स ऑफ कोको बैसिलाई एंड इन CSF फ्रॉम मेनिंजाइटिक केसेस, स्पूटम वाले सैंपल में ये कैसे नजर आते, क्लम्प गुच्छों में, और कोको बैसिलाई यानी इसका कोकाए और बैसिलाई यानी कि थोड़े से लंबे और घुमावदार इसका शेप होता है, तो इस तरीके के कोको बैसिलाई नजर आते हैं। और CSF किस जैसे सैंपल में है और मेनिंजाइटिस की कंडीशन में ये लॉन्ग और लंबे और फिलामेंटस शेप के नजर आते हैं, फॉर्म्स प्रीडोमिनेंट।
विरुलेंट स्ट्रेन प्रोसेसेस कैप्सूल, इसकी जो विरुलेंट स्ट्रेन होती है वो कैप्सूल वाली होती है, वाइल द अविरुलेंट स्ट्रेन ओल्डर कल्चर्स आर नॉन कैप्सुलेट, और जिसकी अविरुलेंट जिसकी स्पीसीज होती है स्ट्रेन होती है उसमें कैप्सूल फॉर्मेशन नहीं होता। किसमें कैप्सूल फॉर्मेशन होता है? जिसकी विरुलेंट स्ट्रेन होती है उसमें कैप्सूल फॉर्मेशन होता है, और जो अविरुलेंट होती है उसमें कैप्सूल फॉर्मेशन नहीं होता है। देखो इस तरीके से ये ग्राम नेगेटिव बैसिला है, कोको बैसिला है, इस तरीके से ये नज़र आता है। आपको अगर इमेज दिख रही होगी तो थोड़ा जूम करके देखना ये स्क्रीनशॉट लेकर, कि जो लंबी ये ऐसे लंबी लंबी जो उसकी दिख रही है बैसिलाएँ दिख रहे हैं, है ना, उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग में देखना, हर बैसिलाए के चारों तरफ एक कैप्सूल फॉर्मेशन है, एक शील्ड फॉर्मेशन है ना, इस तरीके के विरुलेंट कैप्सूल फॉर्मेशन करते हैं। फैक्टर एक्स, इट इज़ अ हीट स्टेबल प्रोटोपोरफायरिन 9, ये क्या होता है, हीट स्टेबल होता है, और प्रोटोपोरफायरिन 9 होता है ये, ठीक है। हीट स्टेबल यानी कि ये किसी भी तरीके की हीट मीडियम में ही रह सकता है, और ज़्यादा हीट या कम हीट होने से ये मरेगा नहीं, ठीक है। हीमिन और अदर आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन, इसमें हीमिन और अदर तरीके के आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन भी होते हैं इसमें। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैटलेज एंड अदर एंजाइम्स साइटोक्रोम, और ये नेसेसरी है, इसकी आवश्यकता है किस तरीके के सिंथेसिस करने के लिए, क्या चीज़ बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है, कैटलेज और अदर एंजाइम्स को जिसको साइटोक्रोम सी बोलते हैं, इस तरीके के एंजाइम बनाने के लिए हीमिन का और पोरफायरिन का होना ज़रूरी होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वी फैक्टर, इट इज़ हीट लेबाइल, ये क्या होता है, हीट लेबाइल होता है, यानी कि अस्थिर होता है, लेबाइल का मतलब होता है अस्थिर होना, यानी कि ज़्यादा गर्मी पड़ने पर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। डिस्ट्रॉयड एट 120 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स, यानी कि आधे घंटे के अंदर 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट की जाए दी जाए तो ये जो फैक्टर है वी फैक्टर, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स एंड इन मैनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये जो फैक्टर होता है ये रेड ब्लड सेल्स में होता है और कुछ एनिमल्स में और प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। इट इज़ सिंथेसाइज बाय फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है, फंगाई और बैक्टीरिया के द्वारा, एग्जाम्पल है स्टेफ ओरियस। इट इज़ आइदर निकोटिनामाइड एंड एडिनाइन डाइनिक्लोटाइड NAD कोएंजाइम 1 और NAD फॉस्फेट NADP कोएंजाइम 2, इसमें ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। इट अपीयर्स टू एक्ट एज अ हाइड्रोजन रिसेप्टर, ये हाइड्रोजन रिसेप्टर कैसे एक्ट करता है, इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए ये हाइड्रोजन के रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर यानी कि ऐसा कोई जगह जहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाए, ये क्या है, जैसे कि ये रिसेप्टर है, ये कोई मॉलिक्यूल है, तो हर रिसेप्टर अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए बना हुआ होता है, तो ये हाइड्रोजन रिसेप्टर जैसे एक्ट करता है, जैसे कि हाइड्रोजन घूम फिर के आया तो हाइड्रोजन यहाँ पे इजीली फिट हो जाएगा, रिसेप्टर कर लेगा, और अगर इस तरीके का रिसेप्टर है तो इस तरीके की कोई चीज़ आनी चाहिए जो कि इसमें क्या बाइंड हो जाए, तो ये हाइड्रोजन रिसेप्टर है जो कि हाइड्रोजन घूम फिर के आएगा तो उससे ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। इट अपीयर्स टू एक्ट एज अ हाइड्रोजन रिसेप्टर इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, सेल के मेटाबॉलिज्म करने के लिए हाइड्रोजन के रिसेप्टर जैसे एक्ट करता है। ऑर्डनरी ब्लड अगार इज नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एच इन्फ्लुएंजी, ऑर्डनरी ब्लड अगार इसके लिए सुटेबल नहीं होता है एच इन्फ्लुएंजी की ग्रोथ कराने के लिए। वेयर ग्रोथ इज स्कैंटी, यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, धुंधली दिखती है, स्कैंटी दिखती है, एंड द वी फैक्टर इज नॉट फ्रीली अवेलेबल, और जो वी फैक्टर रहता है इसका फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। बींग इम्प्रेजेंट इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स, क्यों नहीं होता फ्रीली अवेलेबल इसका वी फैक्टर, क्योंकि बींग इम्प्रेजेंट ये क्या होता है, कैद रहता है इनसाइड द रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के अंदर ही कैद रहता है वी फैक्टर, इसलिए क्या होता है ये अवेलेबल फ्री नहीं होता है, और इस तरीके का वो फिर ग्रोथ नहीं दिखा पाता है। अब हम देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में क्या होता है, इट इज एन ऑब्लिगेट ह्यूमन पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, स्थाई, है ना, उसी में बना रहने वाला, उसी के लिए ही बना होना, ह्यूमंस के लिए ही ये बना हुआ है ये, यानी कि ह्यूमंस से ही अपने रहकर ही इन्फेक्शन कर सकता है, और उसी में रहकर क्या कर सकता है, अपनी ग्रोथ कर सकता है। द ऑर्गेनिज्म एंटर्स बाय रेस्पिरेटरी रूट, जो ये ऑर्गेनिज्म है किसके थ्रू एंटर होता है, रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू, या जैसा अब हम सांस लेते हैं वहाँ से ये एंटर होता है। नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजी आर इररेगुलर, सॉरी
नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन ऑफ एच इन्फ्लुएंजा आर रेगुलर कमेंसल इन द नेसोफेरिंग्स और ऑरोफेरिंग्स. जो नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स रहती हैं, यानी प्रजातियाँ रहती हैं, इसकी स्ट्रेन्स रहती है, स्पीसीज रहती है, नॉन स्ट्रेन्स स्पीसीज जो रहती है, जो कि नॉन कैप्सुलेटेड रहती है, यानी कि उसमें कैप्सूल फॉर्मेशन नहीं होता है इन्फ्लुएंजा का, वो रेगुलर होते हैं, रेगुलर कमेंसल इन द नेसोफेरिंग्स, यानी कि वो नेसोफेरिंग्स और ऑरोफेरिंग्स वाले एरिया में ही कमेंसल करें, यानी कि क्या करें, इन्फेक्शन कॉज करें. इस तरीके की ये स्पीसीज होती है नॉन कैप्सुलेटेड वाली. कॉलोनाइजेशन बाय कैप्सुलेटेड स्ट्रेन इज फाउंड इन 5-10% केसेस. और जो कॉलोनाइजेशन यानी कॉलोनी बनाना कुछ ही कैप्सुलेटेड स्ट्रेन में नजर आता है, 5-10% केसेस में ही इस तरीके की चीज़ें नजर आती है. और विच टाइप बी स्ट्रेन आर सीन इन, और जो टाइप बी जो इसकी स्ट्रेन होती है 1-5% लोगों में नजर आती है. कैप्सुलेटेड स्ट्रेन कॉज इन्वेसिव इन्फेक्शन, टाइप बी काउंटिंग फॉर मोस्ट केसेस. और जो कैप्सुलेटेड स्ट्रेन क्या होती है, इन्वेसिव इन्फेक्शन कॉज करती है ना, कि पेनिट्रेट करना, स्किन को पेनिट्रेट करके इन्फेक्शन कॉज करना, इस तरीके का काम करता है. समझ में आया कि नहीं है? पैथोजेनेसिस की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसको समझने के लिए. एक्चुअली क्या है, ये है ऑब्लिगेट ह्यूमन पैरासाइट, यानी कि इंसानों में रहने वाला, इंसानों के सहारे जीने वाला, ठीक है. पैरासाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैरासाइट क्या करता है, किसी माध्यम चुन लेता है और उसी का खून चूसते रहता है, और वहीं क्या रहता है, मतलब जो भी चीज़ करता है वो भी, हर पैरासाइट खून नहीं चूसते हैं, है ना. और ये क्या करता है, खून के सहारे रहने वाला, क्योंकि क्या हीमोफिलस का मतलब ये ब्लड लविंग, ह्यूमन के साथ ब्लड में रहने वाला, जीने वाला, पनपने वाला. इसको ह्यूमन पैरासाइट इसलिए बोला जाता है कि ये ह्यूमंस पर रहता है, ह्यूमंस के थ्रू ही इसका जीवन है, ठीक है. ऑब्लिगेट इसलिए क्योंकि ये उन्हीं में ही होता है. ये जो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा, ठीक है. इतने दो पॉइंट क्लियर हुए. नॉन कैप्सुलेटेड उसकी कुछ स्ट्रेन होती है कैप्सुलेटेड, और कुछ स्ट्रेन होती है इसकी नॉन कैप्सुलेटेड. जो उसकी कैप्सूल फॉर्मेशन वाली जो उसकी स्ट्रेन होती है एच इन्फ्लुएंजा की, वो क्या करते हैं, अधिकतर नेसोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स में क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये. इसका कॉलोनाइजेशन यानी इसका कॉलोनी बनाना कौन सी स्ट्रेन में, कैप्सुलेटेड स्ट्रेन में इसका कॉलोनी बनाना 5-10% केसेस में नजर आता है. और इसकी एक और स्ट्रेन होती है टाइप बी स्ट्रेन, वो कॉलोनी फॉर्मेशन करता है 1-5% में. और जो उसकी कैप्सुलेटेड स्ट्रेन जो उसकी पहली होती है, वो कॉलोनी फॉर्मेशन करती है 5-10% लोगों में, ठीक है. इतना पॉइंट क्लियर हुआ. 3 पॉइंट, कैप्सुलेटेड स्ट्रेन कॉज इन्वेसिव इन्फेक्शन. जो उसकी कैप्सुलेटेड स्ट्रेन होती है वो इन्वेसिव इन्फेक्शन कॉज करता है. और बाकी जो टाइप बी होता है अकाउंटिंग फॉर मोस्ट केसेस. और टाइप बी भी क्या करता है, अधिकतर केसेस में इन्फेक्शन कॉज करता है. द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा. कुछ इन्फेक्शन है जो एच इन्फ्लुएंजा के कारण होते हैं, वो हम देखेंगे. सबसे पहला है मेनिनजाइटिस. दिस इज द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑक्यूरिंग इन चिल्ड्रन ऑफ 2 months to 2 years ऑफ एज. ये क्या है, एक मोस्ट सीरियस डिजीज है, ऑकर होती है चिल्ड्रन और बच्चों में होती है, जो कि 2 महीने से 2 साल तक के बच्चों की एज अवस्था में मेनिनजाइटिस एच इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, ठीक है. द फर्टिलिटी रेट इज अबाउट 90%, यानी कि मृत्यु दर इसका क्या है, फर्टिलिटी रेट है इसका 90% लोगों में होता है इन अनट्रीटेड पेशेंट्स, यानी कि वो पेशेंट्स जिसका ट्रीटमेंट उनको नहीं मिला है. वैसे केसेस में क्या होता है, 90% डेथ रेट होता है बच्चों में. द बेसिलाई रीच द मेनिनजेस फ्रॉम द नेसोफेरिंग्स अपेरेंटली थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. मेनिनजेस में ये पहुंच जाता है, मेनिनजेस वाले एरिया में बेसिलाई कहाँ से, नेसोफेरिंग्स से, और फिर नेसोफेरिंग्स जाके ब्लड स्ट्रीम में जाकर ये फिर बॉडी में सर्कुलेट होता है. द मेजोरिटी ऑफ द केसेस आर ड्यू टू टाइप बी स्ट्रेन. और जो मेजोरिटी ऑफ केसेस मेनिनजाइटिस के, वो टाइप बी स्ट्रेन से होते हैं, ठीक है. एक्यूट एपिग्लॉटिस, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कॉज बाय एच इन्फ्लुएंजा. ये क्या है, दूसरे नंबर का सबसे कॉमन इन्फेक्शन है जो कि एच इन्फ्लुएंजा के कारण, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है. दिस इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिग्लॉटिस. ये क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, यानी कुछ समय का तकलीफ होती है, परेशानी होती है बॉडी में, इन्फ्लामेशन होता है ऑफ द एपिग्लॉटिस में. एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लेरिंगल एडिमा, और क्या करता है, लेरिंगल फॉर्म को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, और एडिमा फॉर्मेशन यानी कि स्वेलिंग कर देता है एपिग्लॉटिस में, जहाँ से क्या होता है, लेरिंगल जो रीजन रहता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, यानी कि उसमें बाधा आ जाती है ना.
सीन इन चिल्ड्रन ओवर 2 ईयर्स ओल्ड, और बच्चों में अधिकतर देखा जाता है 2 साल के बच्चों में यह अधिकतर नजर आता है। दिस कंडीशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद बैक्टेरिमिया एंड द ऑर्गेनिजम्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड कल्चर। और ये कंडीशन किस चीज़ों में नजर आती है, बैक्टेरिमिया यानी ब्लड इन्फेक्शन में नजर आता है ये चीज़ें, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, और इस ऑर्गेनिज्म को हम ब्लड कल्चर से आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो नजर आया एडिमा, ये है इमेज है, ए जो है ए वाली इमेज, उसमें देखो नॉर्मल आपका एपिग्लॉटिस नजर आ रहा होगा, है ना, और बी वाली इमेज है उसमें दिख रहा है एपिग्लॉटिस में स्वेलिंग आ गई है जिसमें लैरिंगल वाला सरफेस को उसने क्लोज कर दिया है, और इस तरीके से 2 साल तक के बच्चों में क्या करता है, इस तरीके की इन्फेक्शन कॉज करता है और इन्फ्लेमेशन इरिटेशन बॉडी में कॉज करने का काम ये करता है। क्लियरली नजर आ रही है इमेज इस तरीके से, ये देखो पहली इमेज नॉर्मल है और सेकेंड इमेज जो है वो इन्फेक्टेड वाली है। ठीक है, निमोनिया, इट टिपिकली ऑकर्स इन इन्फेंट एंड इज अकम्पेन्ड बाई इम्फाइमा इम्फाइमा एंड समटाइम्स मेनिंजाइटिस टाइटिटिस एज वेल। ठीक है, टिपिकली ऑकर काय में होता है, कि किन में होता है, ये इन्फेंट्स में होता है, नवजात शिशुओं में होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अकम्पेन्ड बाय यानी कि इसके साथ साथ वो इम्फाइसीमा के साथ साथ मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन में भी वो होता है निमोनिया। While this primary infections are caused by capsulated strains, और ये जो primary सबसे प्रमुख में होने वाले infection है वो capsulated strains के द्वारा होते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, कि अधिकतर जो infection cause होता है Haemophilus influenzae का, वो इसमें जो capsulated जो उसकी strain है जो कि capsule formation करती है, वो strains से ज़्यादातर infection cause हो रहा है। ब्रोंकोनिमोनिया होता है में ऑकर एज सेकेंडरी इन्फेक्शन विद नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन, और जो ब्रोंकोनिमोनिया होता है, ब्रोंकोनिमोनिया जैसी कंडीशन, ये सेकेंडरी ये इन्फेक्शन है जो कि नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन में होता है। ये देखो ब्रोंकोनिमोनिया, देखो किस तरीके से लंग्स खाली दिख रहा है, ठीक है, एल्वियोलाई का ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, म्यूकस फॉर्मेशन होना, ब्रोंकाई वाली कंडीशन में डायलेटेड हो जाना और सांस नहीं ले पाना, डायलेशन हो जाना, इस तरीके की चीज़ें होती है। ठीक है, एक्सरे के था वो। अब हमारा है फोर्थ पॉइंट इसका पैथोजेनेसिस का, जो कि है एच ब्रोंकाइटिस। एच इन्फ्लुएंजा इज एन इम्पॉर्टेंट पैथोजन एसोसिएटेड विद निमोकोकाई इन द एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है ये, है ना। सोपरेटिव लीजन्स, सम ऑफ द सोपरेटिव लीजन्स इंक्लूड सेप्टिक अर्थराइटिस और एंडोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस एंड ओटाइटिस मीडिया। एंडोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस क्या होता है, हार्ट में और हार्ट्स के वॉल्व में क्या हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बैक्टीरिया का आना और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करने को, ये एंडोकार्डियम लेयर में और पेरिकार्डियम लेयर में इन्फेक्शन होना, उसी को बोलते हैं एंडोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस। ओटाइटिस मीडिया, ये क्या होता है, ईयर ड्रम के पीछे एक सैक होता है बेटा, उस सैक में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होना, पस फॉर्मेशन होना, अधिकतर बच्चों में होता है ओटाइटिस मीडिया जैसी कंडीशन। ठीक है, ये देखो ये इस तरीके क्या होता है, ये दिख रहा है, ये पस फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सेपरेटिव लीजन्स हो रहे हैं यानी घाव हो रहे, फोड़े फुंसी होना, इस तरीके की चीज़ें क्या होती है, एच इन्फ्लुएंजा में सेपरेटिव लीजन ये कॉज करता है। इस तरीके से हमारा जो ये पोर्शन है, इसका जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन, इसका सॉरी जनरल इंट्रोडक्शन, और उसके बाद इसका पैथोजेनेसिस वाला वीडियो हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसके बाद जो इसका नेक्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको उसकी लैब डायग्नोसिस या लेबोरेटरी डायग्नोसिस बहुत अच्छे से समझाऊंगा। प्लीज़ आप उसको भी वॉच करिएगा।